नंबर लगा के डालना पड़ेगा इधर बाहर तो बाहर से हम चेकेंगे ना। हाँ करना मैं भी कुरान पढ़ता था, तुम लोग भी कुरान पढ़ते हो, मैं भी कुरान पढ़ता हूँ। मेरे जबान में दिया था पढ़ता हूँ, हम यहाँ से हो जाता है जो भी शायद मेरा क्या है। और दूसरी बात ये है कि तुम लोगों को कभी मैंने खिड़की दे के बुला के आया, तुम लोगों को बोले क्या करा के आया सोलह सोलह घंटे की है। और बाद में ये लोग क्या हमको आपसे मतलब है, हम बीमारी के हालत में है, आपके पास शफा के लिए है, आप हमको क्या कर सकते आप वो तो दीजिए क्या वो लोग तकलीफ है और भाई की दास्तान लोगों को क्या तकलीफ है। जो भी मेरे पास आए उन्हें किस चीज को फायदा पड़ना, पुराने लोग जो है वो आ गया, पुराने लोग पढ़ने वाले आ गया होगा, रहने वाला रहने वाला पुराना वाला जागे 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 सब देख लेना आए थे ना आए थे ना यहां पहले सब आए इसका टाइम रखो बाकी आए पता वाके एक महीना होगा एक महीना पहले आए थे तुम्हारे से कितना पैसे की डिमांड करा हूं 150,000 25,000 सेवा तुम्हारी पैसे लिए जोर से बोलो सब चीज में आना रात की 10 बजे रात सुबह से तो रात के 10 बजे तक कंटिन्यू बैठे वाला था क्या नहीं के बीच में उठ के गया था 16-17 घंटे लोगों के हाथ से बैठा हुआ तो ये खिदमत का अंजाम देने में। और तुम्हारे से कुछ पैसे लिए थे तुम्हारा फर्क हुआ यहाँ आए थे तो क्या हुआ जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से पूरा नाम सुनने और दूसरे कॉल तो माइक और फर्क हुआ क्या है जिसम बोलो कहाँ से आए औरंगाबाद से इससे पहले आए थे अच्छा फायद हुआ फर्क हुआ लग रहा है क्या प्रॉब्लम था आपको तो यहाँ पर जब आए तो आप पैसे की डिमांड करे थे क्या पैसा हाँ अल्लाह पैसा ठीक है उसके बाद में लंगर में रुकने करने को बंदोबस्त यहाँ सब था खाने पीने का या उपचार के लिए तुमसे जोर से बोलो ठीक है मेरे खिलाफ में जो कंप्लेंट करे वो तुम लोग इस बारे में क्या करते विरोध करते या फिर उनके पक्ष में विरोध करते
और उसके बाद क्या बोले तो और कौन आए थे तुम्हारे बच्चे, वो कौन उसके साथ में कितने लोग आए थे? बच्चे यहाँ जब आते थे तुम लोग तो साथ में पूरी फैमिली आती थी, कौन कौन आए? लेडीज एक तरफ हो जाओ, इधर जेंट्स वाला को लेडीज जितने भी है देखिए। और वो जो आपका जो बिरयानी का जो बच्चा खाया था वो भी हम यूट्यूब पे देखिए, देख के हमको समझ में आया तो आपके पास आए और आपको पुलिस वाले भी अरेस्ट करके लेके गए। वो तो डिमांड कर रहे थे, आओ आपको 14 दिन की रिमांड करेंगे थे आपको। हम भी लावादी क्यों कर रहे, क्यों लोगों की हिम्मत कर रहे, उसकी सजा मिलेगी, लोगों की हिम्मत करना बंद कर दो। ये सब पैसे लेते थे तो वो अच्छा है, ये फ्री कर रहे थे। शैतान आता था मेरे पढ़ते ही क्यों हाजिर होता, अल्लाह ने वहां जबान में तासीर रखा। और मुझे फेक बोल रहे, मुझे डुप्लीकेट आ रहे अखल के अंदर। अगर मैं डुप्लीकेट रहता था तो सोशल मीडिया पे नहीं चलता था, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब ही था कि सच्चाई, और सच्चाई ही चलती सोशल मीडिया पे, डुप्लीकेट एक बार भी नहीं चल सकता। और एविडेंस के वास्ते करोड़ों तुम्हारे क्या बोलते तो मेरे व्यूज है और लाखों से सब्सक्राइब है लाखों के अंदर। और उसके अलावा क्या बोलते, इतने लोगों को कोई दुनिया में बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ बनाना है, फेक है, बदमाश तो एक या दो को बना सकता। तो आप अगर हैदराबाद में भी अगर पेशी के वक्त भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो मुझे नंबर दे, हैदराबाद में आपको अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बोलेंगे आपके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे भाई को मैं हैदराबाद से लेके आऊं। मेरे भाई के किडनी में, दोनों किडनियों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दोनों में जो फेल हो गए स्वास्थ्य है, मेरे दोनों किडनी फेल हो गए। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर 10 लाख रुपए के बोला, हम मैं गरीब आदमी में कहाँ पड़ जाऊँ? बोला आपका वीडियो देखते हैं, आपके पास आए कि मेरे को फाइज मिलेगा, आप पैसे रुपया भी नहीं लेते बल्कि सुना, इसीलिए यहाँ पर आए। अब इतने लोगों से पूछो ना, ये सब भी तो पहचाना था ना, खड़ा है लेकिन किससे लिए पैसे उठाओ आप बोलो, लिए क्या? फ्री में जिंदगी बजा रहे। अगर मेरे को लेने का रहता तो खुला बोल कर लेता था मुझे लाओ दो, मगर मेरे को लेने का ही नहीं ना। अगर मैं पैसे लूंगा और मैं लोगों का बुरा करते बैठूंगा फिर अच्छा करने के लोग जाएंगे कहाँ पे? आपके साथ है हैदराबाद में, अगर आपको कोई भी चीज़ की अगर तकलीफ है, आगे परेशानी है, तो आपको मैं कॉपरेट करता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद में मैं कॉपरेट पेशेंटों को देखने के, हम लोगों को देख के राइट करते बैठने की। मैं ऑलरेडी वकील हूँ और उसके अलावा डॉक्टर भी हूँ, बीएमएच एमडी डॉक्टर, और एलएलबी मेरी फाइनल हो गया, हो गया एग्जाम फाइनल। उसके बावजूद मैं मेरे सारे प्रैक्टिस आप छोड़ के तुम्हारे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और रोज सिला दे रहे मेरे को सब। दूसरे लोग को भी लंगर में पैसे डाल के जाते दिल से, जिसको डालना है वो। इरफान ने तो एक रुपया भी नहीं डाला था दिल से। एक फॉर्म रखो ना, ये जो आपकी कार्रवाई हुई है इसके लिए, लेकिन आप एक फॉर्म बनवाइए जिसमें उसकी एग्रीमेंट हो कि भाई मुझे आपने बुलाया नहीं, मैं चल के आया। देयर इज एनी टाइप ऑफ नो देयर एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन और व्हाटएवर इट इज, just you have to write down that form that I am agree with you and there is no any type of compulsion, so that I came here. I came by means of
or whatever, what you say, by my mind, there is no any enforcement. We have some picture लीजिए, हर एक से उनका आधार कार्ड वगैरह प्रॉपर, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन करता है, तो ये आपको बुक रहेगा, बाकी आपको एलएल भी होगी, सो आप जो है कानूनी तौर पे अपने आप को शुरू कर दीजिए, जैसे अभी आप लोगों पे भरोसा रख के बोल रहे चल मैं इसकी ठीक नहीं कर रहा, मैं उसका वो है मैं इसका इलाज करता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके ऊपर क्या इसका गेन करने वाले या उसके दिल में क्या है, सो हाँ वो शरारती लोग हो सकते हैं, तो आप एक एग्रीमेंट फॉर्म बनवा लीजिए, जैसा भी आप नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन लगातार दो उसके ही घर के दो विटनेस भी चाहिए आई डी आई डी के साथ। आप कहाँ से? मैं अहमदनगर से। आपको क्या बताना था? मुझे थोड़ा कुछ तकलीफ होती है, अभी कुछ कर दिया गया है, मैं जब गाड़ी में चला था टू व्हीलर, तो मुझे नींद आ जाती है, लेकिन बुजुर्गान दिन की दुआ है कि गिरते गिरते मैं कई बार बच चुका हूँ, तो ऐसे ही बुजुर्गान दिन के इससे मुझे आपका इशारा मिला है, तो मैं आपके पास आया हूँ। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप जो आपका काम जो शरीयत के हिसाब से पुराने काम की आई थी आप करते हैं, गैर इस्लामी में कुछ भी नहीं, और जो मैं ये बोलना चाहूँगा मैंने आपके यहाँ पे कमेंट्स भी लिखे हैं कि जो अभी नॉन सूफी थे उनको जरा जलन होती है, अगर मौलवी तावीज दे तो उसका हदिया जाया जाए, लेकिन अगर आपके जैसा कोई शख्स करे तो वो हराम है, तो वही है ये इसमें एक्सपोज नहीं कर सकते वो चीज, लेकिन हाँ और ये दुनिया में औली अल्लाह को नहीं छोड़ा, अगर छब्बीस तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को भी खाली पेट कर दी गई जबकि वो हक थे और वो जो लोगों की खिदमत करते थे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, आप जब काम करोगे तो जो आज दस दस हजार एक एक लाख रुपए देते उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, तो वो आपको कैसे सामने सामने तो नहीं बोल सकते ना हम पैसा लेते हैं आप लोग, वो आपको दूसरे तरीके से हैरेसमेंट करके आपको बंद करवाना चाहते, जैसे पुलिस हो गया सारी चीजें, और मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी का इलाज करने की, कोई मेरे पास आने की, मैं सिर्फ इस वास्ते करता हूँ कि अल्लाह ने जो दिया लिए ताकत, कल को अल्लाह मेरे को पूछेगा कि तुम्हारे को दिए थे तो तुमने कहाँ यूज करे और क्यों नहीं यूज करे, इस वास्ते मेरे को यूज करना है लोगों को, बाकी मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अगर मेरे को वाकई में आराम आयश और वो क्या बोल रहे थे मेरे बारे में और बहुत सारे बातें बेबुनियाद है कि बोले बहुत ही ज्यादा आयश और आराम के वास्ते रहम का है बनाने के वास्ते लोगों से पैसा ले रहे हैं नहीं ले रहे, अरे मेरे को बेवकूफ़ लेने का रहता था तो मैं एमडी डॉक्टर हूँ और उसके अलावा एलएलबी हूँ, मैं दोनों तरफ जाके प्रैक्टिस करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, बहुत सारे बीमारियों के अंदर चैलेंज से हटाता था, वो हटा के करके वो छोड़ दिया मैंने, अब तुम्हारे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ फ्री में, वो सिर्फ इस वास्ते कि कल को अल्लाह पूछेगा जवाब लेगा मुझसे कि हमने तुम्हारे को जो भी दिए थे जो भी पैसे रखे थे जबान में तो क्यों नहीं पहुंचा गरीबों तक, पैसे तो क्यों नहीं पहुंचा आमदनी तक, आप अपना वक्त डिग्री हासिल करने में डालते ही नहीं अगर आपको बाबागिरी करनी होती, ये तो जस्ट इतनी देर की खिदमत है, और मैं अगर बार बार ये बोलूंगा कि पढ़ी लिखी बेवकूफ मीडिया कि बोले फेक, अगर मैं फेक होता था तो तुम लोग ये सोचो कि सोशल मीडिया भी नहीं चलता था, ये जो चैनल वाले बने इन्होंने इनका वीडियो अगर लोग गौर से देखे तो ये टोटली वन साइड, इसको आपका भी आपकी राय भी उन लोगों ने लेना चाहिए था, उन्होंने डायरेक्ट कैसे फैसला कर लिया कि आप ये ऐसे ऐसे कर रहे हो, भाई दोनों बातें सुनो ना, वो हो सकता है जो लोग आपको हैरेस करना चाहते थे या जो आपसे कुछ चाहते थे उन लोगों ने मिलकर ये न्यूज बनाई, कितने और उधर कोई एविडेंस नहीं है कि वो साबित कर सके आपके गलत करने को, एविडेंस क्या मिला उनको, एक बस्ती ऐसी और एक पानी की बोतल, एक पानी की बोतल कमाल है, ये रहता जब और भाई क्या बोलते तो लोगों को बायस पहुंच रहा, तुम अवाम से पूछो जनता से पूछो लोगों को पहुंचा नहीं पहुंचा, बस जनता खुद बताती अवाम कौन बोलेगी हाँ हुआ नहीं हुआ, अगर बार बार एक ही बात कहूँ कि कितने बेवकूफ लोग है पढ़े लिखे अनपढ़ कि उनको इतना नहीं समझ रहा कि एक इंसान सोशल मीडिया पे कैसा चलेगा, ग्लोबल साइंस के ऊपर पूरा वर्ल्ड देखता सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया को ऐसा घर में का खिलौना नहीं है तुम्हारे बच्चे का जो बंद कमरे में बात रह जाएगी, तो कैसा डुप्लीकेट चल सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं जो कर रहा हूँ गलत है या सही है बताओ, हमारे नजरिया लोगों को राइट कर रहा हूँ, तुम सब लोग पेशेंट ही थे ना,
बताओ तुम्हारा कुछ तकलीफ हुई मुझसे या तुम्हारा कुछ तकलीफ पहुंची या तुम्हारे से मैं पैसे लिया या डिमांड करा या उसके अलावा तुम्हारा कोई रुकने में कुछ दिक्कत आई या तुम्हारा खाने का चार्ज लिए क्या लिए जरा बोलो जोर से ये क्या एक्स्ट्रा बोलो तो जोर से बोलो कुछ तकलीफ है सब कुछ पीछे से फिराओ क्या बोलो जोर से बोलो देखो भाई मैं रिजर्व पास का आया हुआ हूँ पहली बार मौलाना के वीडियोस काफी जो है यूट्यूब पे देखा हूँ मौलाना की तरफ से बहुत सारे लोगों को जो है ऑफर भी है अल्लाह ने वो इल्म भी दिया जिससे लोगों को नफा भी हो रहा ये सब दुनिया में नबियों से लेके कायमत तक चलेगा ऐसा नहीं लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया अगर मौलाना यूट्यूब पर फेम होते तो रेड आते बिल्कुल सही बात और मौलाना फेम के लिए यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते अपने वीडियोस को बल्कि मौलाना ये बताना चाहते हैं कि जितने फेक बाबा है और मेयर में क्या करते हैं वो देखने के लिए अपलोड करते हैं हमको दिल से बात समझ में और जितने भी लोग फेक समझ रहे हैं और फेक समझ छोड़ते हैं इसलिए यहाँ के प्रयास में करने के बाद बिना वजह करने के बाद ही छोड़ दिया गया है तो उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो बात नहीं करे उनको पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या वजह थी ये सरासर जुल्म है मौलाना के ऊपर कि बगैर किसी दूसरे के हरासमेंट करे और जो कोई किसी को साबित ना हो मौलाना को छोड़ दिया हो फिर जो हरासमेंट करे उनको पकड़ा ना जाए ऐसे ही कब तक होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मौलाना के बारे में जो खिलाफ हरासमेंट करे उनको भी सामने लाया जाए अभी छोड़ना तो नहीं है कि सब इसकी भी तस्वीर की जाए सोशल मीडिया के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं न्यूज वाले मतलब ये भी झूठे हैं अगर वो लोगों को सामने नहीं लाए हम जो भी यहाँ पर कह रहे हैं सब सोच समझ कर कह रहे हैं और मौलाना के बारे में सब यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद बोल रहे हैं मैं तो ये सब सोचा भी नहीं था कि मौलाना के पास इतनी फैसिलिटी आने के बाद कि आराम के लिए भी जगह है ब्लैंकेट से आराम करने के लिए और सारी की सारी फैसिलिटी है पानी के नहाने धोने के लिए और खाना इतना सा अच्छा पका के सबको एक साथ बिठा कर रहे मुस्लिम मुस्लिम सबको एक दस रुपये बिठाए खाना खिला जाए और नाइट सारी की सारी फैसिलिटी है इसके बाद जो भी हासिल कर रहे ये उनकी जो है अंदर की जलन है ये दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पर आकर देख सकते हैं उसके बाद जांच पड़ताल करें बगैर जांच पड़ताल के मौलाना के ऊपर हरासमेंट करना ये बिल्कुल जुर्म है हम ये तो बात कहते हैं और कौन बोलना चाहते आ जाओ आपके जो कोई शिकायत नहीं है आप जहाँ से अरेस्ट करें ना वहाँ से कई जो है ना जादूगर ऐसे इलम करने वाले कई जने पकड़े गए तालाब कट्टे से पकड़े गए भवानी नगर से पकड़े गए तालाब कट्टे से पकड़े गए भवानी नगर से पकड़े गए और अपने ओलसिटी से पकड़े गए याकूतपुरी से चंद्रा से पकड़े गए जो उन लोगों को अरेस्ट करे उन लोगों को जेल भी कर दिए लेकिन आपको 14 दिन की रिमांड करे या अल्लाह का आपको शुक्र है जो है ना आपको सही सलामत वापस आ गए लेकिन हमसे आपको ये चाहिए हम बीजपुर से आए हैं हैदराबाद से फिलहाल हम गोलकुंडे से आए हुए हैं हमारे भाई के लिए अब आप क्या कर सकते हैं अब अल्लाह बेहतर अभी आप कहाँ पर एक प्रयाणी आप फिलहाल हम आपके दरबार से खड़े हैं गाँव का नाम आपका ये परवानी इसकी परवानी मौलाना के हॉस्पिटल के सामने और नंबर बैंगलोर सब नंबर है के सबके नंबर है सामने ऐसा के भाई बोल रहे थे रोज ये ऐसा करेंगे मेरे साथ में तो मैं कैसा देखूंगा लोगों को और पेशेंट लोगों को क्या जरूरत है देखने की बार बार ही बोलता मैं मेरे वीडियो के अंदर भी देखो कि मुझे जरूरत नहीं है 17 घंटे बैठा मैं बोलूंगा पहले तो बोल के कहीं बोलूंगा उन्होंने भी देखे पब्लिक का आलम सब 17 घंटे बैठने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ देगा मैंने ऐसा कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ अगर मुझे करने का रहता था भेदभाव भावी में अलग लगाना रहता कोई नाम नहीं है सूफीज्म अल्लाह की तरफ चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं किसी ने मुझे नहीं सिखाया सिर्फ अल्लाह ने मुझे इबादत की वजह से दर्जे दिया मैंने उसकी इबादत करा और एक बात ये है कि मैंने तो कभी मेरे मुझसे नहीं बोला कि मैं आले रसूल और औलाद अली हूँ मुसलमानों की जिन्नात बादशाहों ने आंखों में आकर लोगों को दिखाए थे भाई माँ पे का जिन्नात है उसने बोला जो कलमे पे का जिन्नात है उसने बोला वो सब लोगों ने बोले मैंने कभी नहीं बोला और एक बात ये लोग बेबुनियाद बिना वजह कर ली नहीं है तो सच्चाई बिल्कुल नहीं छुप सकती अल्लाह जिसको नवाजना चाह पूरी दुनिया में नहीं गिरा सकती अल्लाह जिसको गिराना चाह पूरी दुनिया में नहीं उठा सकती
मस्जिदों में सस्ते कर रहे हैं, दखलबाजियों में क्या बोलते तो बोलने को अल्फाज भी नहीं मिल रहे, बदमाशा नाला तुमको क्या मालूम कौन अनकार कितनी इबादत कर रहे अल्लाह के आपके बैठा भाई। सब लोगों ने लाइव निकाला हुआ, लाइव चलता 17-17 घंटे मैंने बैठ के पढ़ा लोगों को, इस बात का दावा है ये मुसलमान ये सभी कुछ जो कुरान पढ़ा रहे, कुछ तकलीफों की तुम आप में से तो बोलो, नहीं कोई जरूरत नहीं देखने की, पूरे वर्ल्ड से कॉल आ रहे हैं मीडिया छोड़ दो और आ जाओ हमारे पास, कतर ओमान यमन दुबई हर तरफ से, मगर अभी कुछ जाने का नहीं, अगर मैं चले जाऊंगा देश छोड़ के फिर कौन देखेगा तुम्हारे लोगों को, बाबाओं के हवाले अगर मौलाना यहाँ से चले जाएंगे तो वही फेक बाबाओं के हवाले, आज सब फेक बाबाओं की दुकान बंद है, सब जितने भी है तो सब चिढ़ रहे मेरे ऊपर के फिर सोशल मीडिया पे नाम दे और कई ऐसे फेक बाबा है हैदराबाद से उठे भी जिनके वीडियोस अपलोड किए गए, यहाँ पर इतने वीडियोस अपलोड होने के बाद इसके अंदर कोई फेक नहीं है फिर भी हाँ चलता भी नहीं, इसलिए फेक इतना बड़ा लेवल पे चल ही नहीं सकता ना, ग्लोबल साइंस को वर्ल्ड लेवल पे चल रहा हूँ मैं, बार बार रिपोर्ट रहा कि तुम उठेंगे तो सकता क्या क्या बोले और क्या क्या दास्तान आगे तुम्हारे सब लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप हमारे लिए क्या हटो तरफ हिंदी आती वो भाई सुसाइड कर रही थी, पूछो उसके शोर को बुलाओ आगे, बोले हम मानते नहीं शैतान को जादू टोने को, तो भगवान को क्यों मान रहे फिर अल्लाह और ईश्वर को क्यों मान रहे, जब खुदा है तो सच्चा है उसके बाद सच्चा ही है तो शैतान भी है बुरा, हक है तो गलत भी है दुनिया में, वो सुसाइड करने के वास्ते छत पे से कितने बार गिरी थी, एक बार गिर गई थी, बाद में यहाँ इलाज करे तो राइट हुए, हाँ तो कई लोगों के जिंदा क्या बचा है यहाँ, और जिंदा क्या बचा होगा तुम मुझे ये सिला दे रहे सब मिलके, शर्म करो जरी तुम क्या बोलते, तो सच्चाई अगर हुबहू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी जिंदगी तक होगा, मगर किसी की खबर के अंदर जमींदारी नहीं चलती, जमींदारी चलाने का देख रहे तो खबर के अंदर नहीं चलती ना जमींदारी, वो तो बदला लेने को बैठे हाला है, तुम मुझे करेंगे तो मैंने सबको ये बोल दिया कि मुझे किसी को कुछ पलटा के करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके नाम पे बैठ के फैज पा रहा था लोगों को, मैं मेरे हाथ से फैज दे रहा था अल्लाह, और अल्लाह सबसे बदला लेगा, वो जब बदला लेता तो खतरनाक लेता, कोई दवा काम करती ना वहाँ दुआ काम करती, वहाँ अल्लाह का आजाब है, और जबरन कम वक्त लोगों ने करे पैसों के वास्ते, पैसा दो इनको 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे 10 लाख, मैं बोला 10 लाख कहीं कुछ तुम्हारे झाड़ को लग रहे 10 लाख कहाँ डालते डाल हो जाएगा, बहुत सारे बातें और वो ले जाके क्या बोलते तो बता रहे कि बहुत खतरनाक है छूटने मत दो यूं ही, अरे मेरे को तुम कहीं भी ले जाके रखेंगे, मैं यहाँ तो 17-17 घंटे बैठ रहा था वहाँ तो भी आराम करा अंदर में, दूसरी बात ये कि लोग परेशान हो गए ना, मगर कितने लोगों की जिंदगी वो हो रही, तुम कितने करोड़ों लोगों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे, लोगों की श्रद्धा जुड़े आ रही है, लोगों के अकीदे जुड़े आ रहे, अकीदों को ठेस पहुंचा रहे तुम लोगों के, तुम बख्शे जाने वाले थोड़ी है सब लोग ना लायक हो, और बोलना है कि आगे आओ, चलो ठीक है।